वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपियंस द लर्निंग हम बायोलॉजी पे। मेरा नाम योगी रजनीश कुमार भाटी, आपका बायोलॉजी एजुकेटर अरस्तु प्रकाश इंस्टीट्यूट मेरठ से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट बायोलॉजी को पढ़ना चाहता है, जस्ट नीट क्लियर हो जाए काम खत्म, नो, जो स्टूडेंट बायोलॉजी सीखना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। तो ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, द लिविंग वर्ल्ड पे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से नीट यूजी के लिए हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम्स, जू, हर्बेरिया एंड बॉटनिकल गार्डन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज लिविंग। हम कैसे मान लें कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है? कुछ कोई ना कोई तो करेक्टर वहां पे प्रेजेंट होते होंगे ना, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, जिसके कारण और जिससे डिफ्रेंशिएट करके हम बोलते हैं कि दिस थिंग इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट by itself exhibiting the growth, development, death, consciousness, reproduction is called living being. और यही character नहीं है, बहुत सारे character हैं जिनके basis पे हम क्या कहते हैं कि ये living है और ये non-living है। तो one by one हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा character रहेगा growth, कि जो growth करता है वो living consider किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर mountain के अंदर भी तो growth होती है, वो भी तो अपना साइज इंक्रीज करता है, वॉल्यूम उसका भी इंक्रीज होता है। लेकिन बेटा, ग्रोथ जो है वो दो तरह की होती है, एक इंट्रेंसिक ग्रोथ और एक एक्सट्रेंसिक ग्रोथ है। इंट्रेंसिक ग्रोथ लिविंग बींग्स के अंदर होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग्स के अंदर होती है। तो इंट्रेंसिक ग्रोथ के अंदर मैंने आपको यहां पर एक बेबी का पिक्चर दिखाया और एक्सट्रेंसिक ग्रोथ के लिए मैंने आपको एक माउंटेन को दिखाया। सेकेंड, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द पेपुलर फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, कि जिसकी वजह से उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपने नए यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। एंड रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स इज मेटाबोलिज्म। क्या होता है मेटाबोलिज्म? ऑल द वाइटल एक्टिविटी अकर्स इन ए बॉडी और ऑल वाइटल रिएक्शंस occurs in a living body or a body is called metabolism. Now, metabolism दो तरह का होता है भाई, एक होता है catabolism, एक anabolism. जैसे इनके नाम से पता है, cata का means काटना, यानी कि बड़े से छोटे में convert करना, यानी कि complex to simpler. इसका दूसरा नाम है destructive phase. क्या बोलते हैं इसको? destructive phase, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ देना। जैसे कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में करते हैं, कि हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ करके और उससे हम CO2 निकाल देते हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी ले लेती है। और वहीं दूसरा, इसका बिल्कुल अपोजिट, एनाबोलिज्म मीन्स कंस्ट्रक्टिव फेज, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हुए हम देखते हैं ना कि छोटे छोटे ब्रिक्स को लेकर के और हम एक पूरा हॉल, एक पूरा रूम प्रिपेयर कर लेते हैं, अपना पूरा घर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसी तरह से लिविंग बींग्स के अंदर भी ऐसा होता है, एक प्रोसेस जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है। हमने देखा है ना उसमें कि हम CO2 लेते हैं, हम वाटर लेते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। वो क्या है? एनाबोलिज्म, यानी कि सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स और कंस्ट्रक्टिव फेज इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। और ये सबसे मेन फीचर है, मेटाबॉलिज्म जो है वो सबसे मेन फीचर है लिविंग बींग्स का। नेक्स्ट इज सेलुलर स्ट्रक्चर। एक डेफिनेट शेप होनी चाहिए, एक डेफिनेट साइज होना चाहिए, एक डेफिनेट ग्रोथ होनी चाहिए। वो किस पे डिपेंड करती है? एक सेल पे डिपेंड करती है। उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम तीन में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
आपने अभी तक पढ़ा होगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। मीजोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है भाई, इसको भी पढ़ेंगे अपने फर्दर स्टडी के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, चाहे वो बायोटिक फैक्टर है चाहे वो एबायोटिक फैक्टर है, कि लिविंग जो होगा वो अपने आसपास के एनवायरमेंट में या किसी फिजिकल स्टिमुलाई के या फिर किसी केमिकल स्टिमुलाई के प्रति संवेदनशील होगा, वो रिस्पोंड करेगा उसको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होती हैं। तो इस अर्थ पे लाइफ को आने में अप्रोक्सीमेट 3.5 बिलियन ईयर्स लगे, अभी तक हमें 1.7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है, जो कि 1.2 मिलियन जो एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स का भी आज तक हम पता लगा पाए हैं। इंसेक्टा ग्रुप को हम देखते हैं, ये एक लार्जेस्ट क्लास है, और आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। हर साल 15,000 नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर कर लिए जाते हैं, और ये डाइवर्सिटी मेनली कहाँ मिलती है? मेजोरिटी ऑफ डाइवर्सिटी आर फाउंड एट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड वाटर रीफ इन ट्रॉपिकल ओशियंस। अब बात आती है भाई नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्यों करें क्लासिफिकेशन हम हमारा या हमारे ऑर्गेनिजम्स का? तो देखिए, टू मेक स्टडी इजी एंड टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, हमारे को क्लासिफाई करने की जरूरत है। हम हमारे रूम को भी एक अरेंज करके रखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट को अगर मैं बोलूं कि बेटा जाओ यहां से आप इम्यूनोलॉजी का बुक उठा के ले आओ इस लाइब्रेरी से, बच्चा गया और बच्चे ने देखा कि वहां पे तो बहुत सारी बुक्स हैं जो अरेंज नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही अगर हमारे को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल जाए तो हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे को लाइब्रेरी को अरेंज करना पड़ता है ना? वैसे ही हम ऑर्गेनिजम्स को भी अरेंज करने के बाद ही अच्छे से पढ़ पाते हैं, उसको कोरिलेट कर पाते हैं एक दूसरे के करेक्टर्स, सिमिलैरिटी कौन सी आ रही है, डिसिमिलैरिटी कौन सी आ रही है, उनको देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, जो कि कार्ल हूज एटाल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कार्ल हूज उनका नाम था, एटाल का मतलब होता है उनकी टीम, है ना? कार्ल हूज एट आल मींस कार्ल हूज और उनकी टीम, जिन्होंने हमारे को दिया था कि बैक्टीरिया को हम दो में डिवाइड करेंगे, यानी किंगडम मोनेरा को, प्रोकैरियोट्स जो हैं, किंगडम प्रोकैरियोटा भी मोनेरा किंगडम को ही बोलते हैं हम, कि उसके अंदर से अगर डिवाइड करें तो यू बैक्टीरिया और आर्किया, हमने प्रोकैरियोट्स को डिवाइड किया और जितने बचे हुए रह गए वो सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स, जैसे कि प्रोटिस्टा है आपका, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, फंजाई है, वो सारे के सारे चारों किंगडम किसमें है, यूकैरियोटा के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो एपी डी कंडोले ने हमें दी थी, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को बोल मैम लिनियस को बोलते हैं, कार्लस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी सेंटा पाउ, क्या नाम है इनका, सेंटा पाउ। अब टैक्सोनॉमी है क्या भाई? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए, अगर हमें कोई नई चीज मिलती है या फिर हम मान लें कि हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। अरे करेक्टराइजेशन करते हैं, हाँ ये मेल है, फीमेल बेबी है या मेल बेबी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी, है ना? किस बेस पे हम उसका करेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं? आपने सुना होगा कि इस बच्चे का फेस स्ट्रक्चर जो है वो दादाजी की तरह है, नाना जी की तरह इनका या नोज का शेप गया है, या इस तरह के करेक्टर इसके पापा में देखे जाते हैं। ये क्या है, ये करेक्टराइजेशन है, यही करेक्टराइजेशन है, ये इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना? और उसके बाद पंडित जी आते हैं और वो क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं, वो नोमेनक्लेचर हो गया। तो भाई स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं हम इसको, करेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया, उसके बाद नोमेनक्लेचर जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का करते हैं तो वो यूनिवर्सल रूल्स की हेल्प से करते हैं। जैसे जिस उस बेबी का आपने जो नोमेनक्लेचर करवाया था ना पंडित जी से, वो उन्होंने सारे ग्रह नक्षत्र देख के उसका नाम रखा था,
और हम भी बायोलॉजी के ग्रह नक्षत्र देखेंगे भाई, तो यूनिवर्सल रूल्स हैं कुछ जिनके बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर करेंगे उनका। और क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे भाई, कीज के बेस पे। कीज क्या, ये ग्रुप है कुछ करेक्टर्स का, उन करेक्टर्स को देख के ही हम उसको क्लासिफाई करते हैं, है ना। जैसे क्लास में बच्चे क्लासिफाई हो जाते हैं भाई, ये तो टॉपर हैं और ये एवरेज बच्चे हैं और ये तो ISI प्रमाणित नालायक बच्चे हैं, ठीक है ना भाई। तो देखते हैं आगे, टैक्सोनॉमी है जो वो दो तरह की होती है, एक तो होती है क्लासिकल टैक्सोनॉमी और एक होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। भाई क्या डिफरेंस है दोनों में? अब डिफरेंस ये है कि जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर देख के किया जाता था। अब मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या आ गए भाई? मॉर्फोलॉजी करेक्टर का मतलब आउटर स्ट्रक्चर, उसकी अपियरेंस देख करके हम उसको क्लासिफाई कर दें। लेकिन बाद में इसको अपडेट किया गया, अपग्रेड करते हैं ना हम, है ना, एंड्रॉइड का अपग्रेडेड वर्जन जैसे आता है ना, वैसे हम इनको इनको अपग्रेड करते हैं। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई और मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, यानी कि बाहर के करेक्टर देख के, उसकी अपियरेंस देख के, एनाटॉमिकल करेक्टर उसकी अंदर की सेल्स को देख के, साइटोलॉजी के बेस पे उसके अंदर कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, किस तरह के केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी किमोलॉजिकल देख के उसके अंदर जीन कौन कौन से है, क्या उसका जीनोम है, क्या उसका DNA है, उसके जेनेटिकल करेक्टर्स देख के, और कुछ इस तरह से हमने मॉडर्न टैक्सोनॉमी को जन्म दिया। तो चलिए आगे चलते हैं, सिस्टमैटिक्स। अब बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि एक सिस्टमैटिक्स में और टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है भाई, उसमें भी आइडेंटिफिकेशन, उसमें भी करेक्टराइजेशन, उसमें भी क्लासिफिकेशन, उसमें भी नोमनक्लेचर, और सिस्टमैटिक्स में भी ऐसा ही कुछ लिखा है बुक में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड द एग्जिबिटिंग रिलेशनशिप अमंग अस देम। याद रखें, एग्जिबिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम और अमंग अस देम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टमा नाम का एक वर्ड था ग्रीक लैंग्वेज में जिसका मतलब था अरेंजमेंट, और जब टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स एक साथ रख दी जाती हैं तो कैसे रखा जाता है उनको, किस तरह से हम उनके अंदर चेंज करते हैं। तो मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्या सिस्टमेटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी? क्या बताया? सिस्टमेटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। अब टैक्सोनॉमी हमने पढ़ ली है, सिस्टमेटिक्स में हमने देख लिया कि अरेंजमेंट करेंगे, अब ये फाइलोजेनी क्या आ गया भाई? ये फाइलोजेनी है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया कि एग्जिबिटिंग रिलेशनशिप जो है वो बताई जाएगी। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स को सेपरेट किया सिंपांस ने, है ना, क्या नाम है इनका, सिम्पसन। नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में और क्या डिफरेंस है। अगर बात करें टैक्सोनॉमी की तो उसकी यूनिट मानी जाती है स्पीसीज, जबकि सिस्टमेटिक्स की यूनिट मानी जाती है पॉपुलेशन को। टैक्सोनॉमी दो तीन तरह की हो जाती है, जैसे कि अल्फा बीटा ओमेगा टैक्सोनॉमी जो कि ट्यूरियल ने हमारे को बताई थी, और अगर बात करें सिस्टमेटिक्स की तो न्यू सिस्टमेटिक्स और नियो सिस्टमेटिक्स और बायो सिस्टमेटिक्स सर जूलियन हक्सले ने हमें बताई थी, इनका भी अपग्रेडेड वर्जन आया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओटोजेनी क्या होती है, फाइलोजेनी क्या होती है। बेटा देखो, ओंटोजेनी होती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइफ हिस्ट्री, और फाइलोजेनी क्या होती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डिफरेंस है, एक तो लाइफ की, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन के अंदर क्या क्या चेंज आया है, और एक होती है फाइलोजेनी, टोटल उसका इवोल्यूशनरी ट्री हमने निकाल दिया भाई, है ना। तो न्यू सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स और नियो सिस्टमैटिक्स जो है वो इन्हीं कुछ करेक्टर्स पे बेस्ड थी, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किनको बोला गया, एरिस्टोटल को, जो कि हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। तो बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी की, ये कौन थे, थियोफेरेस्टस, और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी और इंडियन हर्बेरिया कौन थे, ये आपको नहीं पता होगा, चल देखते हैं, विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग फादर ऑफ इंडियन बॉटनी एंड इंडियन हर्बेरिया, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं आगे, अब नोमनक्लेचर पे बोलते हैं भाई। अब नोमनक्लेचर में हम देखते हैं कि भाई ये क्या है वर्निकुलर नेम और क्या है साइंटिफिक नेम। देखिए
हमारा एक तो निकनेम होता है जो हमारे को घर पे बोला जाता है, जो हमारे आस पड़ोस के बंदों को पता होता है, वो तो होता है हमारा वर्निकुलर नेम या लोकल नेम, यानी लोकल, एक लोकेलिटी के अंदर ही उस नाम से हमारे को जाना जाता है। उसके बाद अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, जो आपकी मार्कशीट के ऊपर आता है, वो आपका क्या है, साइंटिफिक नेम है ना। और जो गोलू, मोनू, छोटू आपके घर के नाम होते हैं, वो आपके क्या है, वर्निकुलर नेम। अब सबसे पहले देखते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कार्लस लिनियस ने दिया हमारे को ये, ठीक है। और प्रपोज्ड किसने किया, सबसे पहले कार्लस लिनियस ने एस्टेब्लिश किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, और प्रपोज्ड किसने किया, कैस्पर ब्यूहिन ने, अपनी कौन सी बुक में, पाइनेक्स, कौन सी बुक में, पाइनेक्स। तो सबसे पहले हमारे को एक बात पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम जितने भी हैं वो सारे के सारे लेटिन लैंग्वेज में हैं, ठीक है जी। कौन सी लैंग्वेज में है, लेटिन में है। और लिनियस गेव सम प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो रूल्स की हम बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर में, हम बोल रहे थे ना कि हम ग्रह नक्षत्र देख के बात करते हैं, तो इस तरह से बायोलॉजी के ग्रह नक्षत्र किन्होंने दिए, कार्लस लिनियस ने दिए। किसमें दिए, फिलोसफिया बॉटनिका, कौन सी बुक में दिए, फिलोसफिया बॉटनिका। ये बुक्स के नाम और जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं बेटा, ये नीट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नोमन क्लिएचर वॉज फर्स्ट यूज इन स्पीसीज प्लांटोरम, कौन सी बुक में, स्पीसीज प्लांटोरम, प्लांट्स के लिए, इन 1753, और सिस्टमा नेचर फॉर एनिमल्स इन 1758। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ कमेटियां बना दी गई भाई, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमन क्लेचर की फाइनल कौन करेगा कि ये नाम सही है या गलत है ना। तो ये पांच कोड हमारे को दिए जाते हैं और इनका भी फुल फॉर्म नीट में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमन क्लेचर। फिर आता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमन क्लेचर। एंड ICNV, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमन क्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज ICNCP, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमन क्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। और ICTV की तो पढ़ना जरूरी है ना भाई, आज वायरस ने जिंदगी हिला के रखी है ना, कोरोना चल रहा है, दबा के चल रहा है ना। इसका नाम किसने दिया, हमने दिया ना, नोवल कोरोना। किसने दिया, COVID-19। किसने दिया, इंटरनेशनल कमेटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, समझ गए। तो ये पांच कोड, इनका फुल फॉर्म आपको याद करना जरूरी है। और रूल्स आ गए हैं हमारे पास, क्या रूल बताया भाई, कि कोई भी साइंटिफिक नेम जो होगा ना भाई, है ना, वैलिड नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म का होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जेनरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। क्या होगा, एक तो जेनरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जैसे कि होमोसेपियंस, होमो क्या है, जेनरिक नेम, और सेपियंस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। हमारे भी तो ऐसे ही होते हैं, जैसे आप मेरे नाम से लगा लीजिए, रजनीश भाटी, तो भैया रजनीश कौन सा है, भाटी, यानी कि रजनीश जो है वो है स्पीसीज, क्या है, स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट, और जेनरिक नेम क्या है, भाटी, है ना, वो क्या है, जेनरिक नेम। तो हमारा जो नाम है वो भी देख लो, साइंस के बेस पे रखा गया है, क्या नाम है, रजनीश भाटी, यानी कि पहले स्पेसिफिक नेम हम लगा रहे हैं और बाद में जेनरिक नेम लगा रहे हैं। तो बायोलॉजी के हिसाब से नाम क्या होना चाहिए, आप देखिए मेरा नाम योगी रजनीश कुमार भाटी मैंने लगाया है, तो उसमें क्या हुआ कि हमने टोटली साइंटिफिक बेस पे हमने इसको काउंट किया है। फिर जो रूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, कि जेनरिक नेम शुड बिगेन विद ए कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम और स्पेसिफिक नेम शुड बिगेन्स विद स्मॉल लेटर। आप यहां पे देख पा रहे हैं, होमो के अंदर एच मैंने बड़ा किया है, सेपियंस के अंदर एस छोटा किया है, और इनको इटैलिक किया है मैंने, इटैलिक किया गया है, क्यों, ताकि ये अलग से दिखाई दे जाएं। इन प्रिंटिंग दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन इटैलिक, और अगर हम इसको रिटन में लिख रहे हैं तो उनको अंडरलाइन करना जरूरी होता है, ये रूल है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या होती है भाई, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल रूल्स ऑफ ICBN। इट इज इफ फर्स्ट नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इज वैलिड, दैट विल बी कंसिडर्ड एट द फर्स्ट प्रेफरेंस। जो सबसे पहला नाम दिया जाएगा वही
आप उसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम रखा जाएगा. एनी अदर वैलिड नेम गिवन आफ्टर दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिनोनिम. अगर दूसरा नाम उसको वैलिड होने के बाद दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिनोनिम. फिर आता है नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय लिनियस इन 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचर. याद रखें 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचर फॉर एनिमल्स एंड स्पीसीज प्लैंटरम फॉर प्लांट्स. याद रहनी चाहिए दोनों बुक, नीट में कई बार रिपीट हुआ है. सिस्टमा नेचर कौन सी बुक है, किसने दी, है ना, किस लिए दी, स्पीसीज प्लैंटरम किसने दी, क्यों दी, याद रहे इसको. नेक्स्ट हमारा है पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर. भाई ये क्या आया, तो जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं था ना उससे पहले हम क्या करते थे, पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर यूज करते थे जो कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस्ड था. यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखते थे और उसका पूरा नाम लिख देते थे. क्या ये वहां पे मिला, भाई ऐसा दिखता है, ये खाता है और ये पीता है ना, ये क्या हुआ, पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर. फिर आया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसने दिया, लेमार्क. याद है ना इवोल्यूशन में भी लेमार्किज्म हमने पढ़ा है, उन्हीं लेमार्क ने हमारे को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था. इसमें क्या होता भाई, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ थ्री वर्ड फॉर ए नेम. तीन नाम हम यूज करेंगे सो दैट द नेम ऑफ सब स्पीसीज एंड वेराइटी इन प्लांट. यानी कि हम जेनरिक नेम रखेंगे, फिर स्पेसिफिक और स्पेसिफिक नेम रखेंगे और फिर सब स्पेसिफिक. यानी कि जीनस के बाद स्पीसीज का नाम आएगा और फिर सब स्पीसीज का नाम आएगा. इसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया गया. अब सिनोनिम्स क्या आ गया भाई, इन केस ऑफ टू और मोर नेम गिवन टू द सेम. अगर दो से अधिक ज्यादा नाम दे देते हैं ना किसी भी एक को, द ओल्डेस्ट, तो जो सबसे पुराना होता है वही हम रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, उसको सिनोनिम बोला गया है. हमने ये पहले भी अभी पढ़ा था. जैसे कि दो नाम आए यहां पे, कैंडिडा, कौन का, कैंडिडा का, एल्ब्यूगा कैंडिडा एंड सिस्टोपस कैंडिडस. तो हम एल्ब्यूगा को सबसे पहले पढ़ते हैं कि एल्ब्यूगा कैंडिडा, कैंडिडिया, कैंडिडा और कैंडिडिया. नेक्स्ट इज टोटोनेम्स. ये क्या है भाई, When generic and specific name are same. भाई generic name भी वही आ गया उसका, specific name भी वही आ गया. जैसे एक तो रजनीश भाटी, एक और रजनीश रजनीश, कैसे पता लगाओगे कौन सा रजनीश, है ना. तो कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे ही साइंटिफिक नेम्स के, जैसे कि रेटस रेटस. लेकिन बायोलॉजिस्ट इसको नहीं मानते हैं भाई, क्योंकि बायोलॉजिस्ट के हिसाब से या बोटनिस्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम अलग होना चाहिए और उसका जेनरिक नेम अलग होना चाहिए. फिर आता है ऑटोनेम्स. ऑटोनेम्स क्या होते हैं, व्हेन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज और वैरायटी नेम आर सेम. जैसे कि कोरवस स्पेलेडेंस स्पेलेडेंस, एकेशिया नीलोटिका नीलोटिका. ये क्या है, ये दो नाम अलग अलग हैं लेकिन इनकी स्पीसीज और सब स्पीसीज क्या है, सेम है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स की भी बात कर सकते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस, तो होमोसेपियंस अभी हमने देखा है, लेकिन सेपियंस सेपियंस क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू है. और वो क्या है, ऑटोनम्स हैं. क्या है वो, ऑटोनम्स हैं, जिसमें स्पीसीज और सब स्पीसीज का नेम क्या है, सेम आता है. अब आता है होमोनेम्स. होमोनेम्स क्या आते हैं भाई, वन नेम फॉर टू डिफरेंट प्लांट. एक साइंटिफिक नेम दे दिया लेकिन प्लांट दो थे. जैसे कि पुर्नस डुलसी, आलमंड के लिए भी हम यूज करते हैं और पम के लिए भी. किसके लिए, आलमंड के लिए भी हम यूज करते हैं और पम के लिए भी. तो पम क्या होता है बेटा, पता है आपको, पता है ना, सर्च करो, अगर नहीं पता है तो सर्च करो. ये हम कॉमनली यूज करते हैं, आलू बुखारा जिसको हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आलू बुखारा. आलमंड का आपको पता है. नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कि भाई कैटेगरी भी होनी चाहिए ना. स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, कोई तो प्रोटोकॉल हमारे पास हो. तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है ये. इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और ए कैटेगरी. एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि हम आर्मी के अंदर भी देखते हैं कि कोई
मेजर है, जर्नल है, ल्यूटिनेंट है, सब ल्यूटिनेंट है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी रैंक है। जैसे कि हम देखते हैं, द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। कैटेगरी क्या है? एक पार्ट है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर मेक ए टैक्सोनॉमिक हायरकी। और सारी कैटेगरी जितनी है वो सभी मिलके फिर एक हायरकी बनाते हैं, जैसे सभी रैंक्स ने मिलके पूरी आर्मी को बना दिया। एंड ईच कैटेगरी इज टर्म्ड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट है वो। इट रिप्रेजेंट ए रैंक, हम इसको क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। और इस रैंक को रिप्रेजेंट करती है, और इसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोन। यानी रैंक को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोन। ठीक है, लिनियस भाई साहब फिर आगे देख लो। इट वॉज लिनियस हु फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस फाइव कैटेगरीज इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। कौन कौन सी दी इन्होंने? जो रिप्रेजेंट की, इंट्रोड्यूस किया, दिया नहीं, टर्म किसी और ने दिया होगा, लेकिन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन से को? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी, ये हमारे को दी। आगे चल के भाई किंगडम, डिवीजन, फाइलम और फैमिली को भी ऐड किया गया। तो अभी हमारे पास जो है टोटल सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जिनकी वजह से हम हायरकी को यूज करते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया, स्पीसीज टू किंगडम, जो सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हमारे को लेके जाता है, जिसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। ये फाइलम और डिवीजन का क्या पंगा है भाई? फाइलम आता है बेटा जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के लिए, और डिवीजन आता है प्लांट्स के लिए, यानी कि बोटनी के अंदर। इसको याद करने का एक तरीका आपको दिया जाता है ना एनसीईआरटी में, और मोस्ट कॉमनली यूज जो है, दैट इज द कीप द पॉट नीट एंड क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्या बताया? कीप द पॉट नीट एंड क्लीन और फैमिली गेट सिक। यानी कि कीप से आपका किंगडम बनता है, पॉट से आपका फाइलम बनता है, क्लीन से आपका क्लास, और से आपका ऑर्डर, फैमिली से आपकी फैमिली, गेट से आपका जीनस और सिक से आपकी स्पीसीज। लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है इस को याद करने का, है ना। याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको आपका घर का एड्रेस तो पता ही है ना, घर का एड्रेस बिल्कुल पता है आपको। देखो, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या बताएंगे कि भाई मैं इंडिया से हूं। कहां से हूं मैं? इंडिया से। तो इंडिया मेरा किंगडम है। क्या है मेरा? किंगडम है। इंडिया में कहां से हो भाई? यूपी, उत्तर प्रदेश से, है ना। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश हमारा क्या हुआ? डिवीजन या फाइलम, क्या बोल सकते हैं इसको? डिवीजन या फाइलम। और भैया क्लास कौन सी है? तो हम जिला गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। कहां से? जिला गाजियाबाद। यानी कि क्लास हमारी क्या हुई? गाजियाबाद। और गाजियाबाद में कहां से भाई? पल्लवपुरम। पल्लवपुरम क्या है? हमारा ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर। तो आ जाओ पल्लवपुरम में। पल्लवपुरम में A5 जो है ना, वहां पे हमारी फैमिली मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फैमिली। और उस फैमिली में सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो मेरे तरह से होंगे, यानी कि जीनस के पास, जीनस के अंदर सारे करेक्टर्स सेम मिलते हैं, और वहां पे आपको ये स्पीसीज मिल जाएगी। तो बच्चों आपको याद हुआ ना, है ना। देखो, कीप द पोर्ट नीट एंड क्लीन और फैमिली गेट सिक, या फिर हम हमारा एड्रेस बोल सकते हैं कि मैं इंडिया से हूं, यूपी से हूं, गाजियाबाद से, पल्लवपुरम मेरी कॉलोनी है, A5 मेरा घर का एड्रेस, वहां पे सारे मेंबर्स, सारे जीनस जो हैं मेरे तरीके के मिलेंगे, और वहां पे आपको ये स्पीसीज मिल जाएगी। सो सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हायर द कैटेगरी, हायर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट। यानी कि अगर हम स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे तो कैटेगरी हाई होती जा रही है ना, वहां पे ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जो हमारे करेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग होते रहेंगे, कॉमन नहीं रहेंगे। तो सेवन टैक्सोनॉमिक रैंक जो हमारे को पढ़ाई जाती है, यानी कि जो हमने अभी एड्रेस से याद की ना, कीप द पॉट नीट एंड क्लीन और हमारे एड्रेस से, है ना, उनको टर्म किसने किया था? तो स्पीसीज हमारे को दी थी जॉन रे ने, जीनस हमारे को दिया टॉनफोर्ट ने, फैमिली हमारे को दी जॉन रे ने, ऑर्डर हमारे को दिया कार्लस लेनियस ने, क्लास कार्लस लेनियस ने, फाइलम कुवियर ने हमारे को दी, और डिवीजन जो है इचलर ने हमारे को दिया था, किंगडम फिर भाई साहब आगे लिनियस, ये तो हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है बायोलॉजी में। और सेवन टैक्सोनॉमिक रैंक के बाद 21
21 जो है इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्पीसीज, सब स्पीसीज, फैमिली, सब फैमिली, ऑर्डर, सब ऑर्डर, इस तरह से मिला के 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी हमारे को पढ़नी होती है हायर क्लासेस में, नीट में नहीं है। अब देखो भाई, हमने सारी रामायण पढ़ ली, तो अब एक सार देख लेते हैं इनका कि कौन कौन से कॉमन नेम हैं, उनके क्या बायोलॉजिकल नेम है और किस तरह से उनका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब टैक्सोनॉमिक रैंक के हिसाब से। तो मैंने आपको यहाँ पे दिया है मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का और वीट का, जो आपके लिए नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको राइट डाउन कर लें, आप जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं अपनी कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे मेरे हर एक लेक्चर में, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट नोट करवाना चाहता हूं कि एक बार आप मेरे लेक्चर को पूरे को देख लें, सुन लें, उसके बाद दोबारा से इसको प्ले करके अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको नया लगता है, आप उसको नोट कर लें, है ना। सॉरी, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट का क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक पोजीशन आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको सिर्फ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ही पढ़ाया जाता है, एक और कंसेप्ट है जो फर्दर मैं आपको एक फटाक से एक स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। तो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया, और उन्होंने बताया कि स्पीसीज जो है वो फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन की। क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, एंड ए स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म? विच आर क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एंड शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल। उनका जीन पूल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचर में नेचुरली, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग होंगी। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड अपॉन द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉल्ड बायोलॉजिकल कंसेप्ट। तो बच्चों, आपके समझ आया बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या था? कि स्पीसीज जो है वो फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन का। स्पीसीज में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? जो क्लोजली रिलेटेड होंगे, जिनका कॉमन जीन पूल होगा, जो इंटरब्रीड करते हैं नेचुरल कंडीशन में और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। सम इंपोर्टेंट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड और एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट। कुछ एक्सेप्शन भी है ना, उत्पाद हर जगह प्रेजेंट है, है ना। एक्सेप्शन होते ना क्लास में बच्चे पढ़ते हुए भी पीछे से सीटियां बजाने वाले ना, लेकिन ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से रखना, इसको याद कर लेना। क्या? कि स्ट्राइल हाइब्रिड कौन से हैं? कौन से हैं? स्ट्राइल हाइब्रिड कौन से हैं? स्ट्राइल अंडर नेचुरल कंडीशन, म्यूल और हिनी, आपने पढ़े ना, खच्चर है ना, वो हैं। कैसे बनाए गए? सबसे पहले तो ये क्या हो सकती है, अपनी नई जनरेशन को क्या कर सकते हैं? नहीं बना सकते, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स। तो म्यूल कैसे बना? क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। एंड हिनी कैसे बना? क्रॉस बिटवीन मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। और दूसरे हैं फर्टाइल हाइब्रिड, फर्टाइल है ना, अंडर कैप्टिव कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, उसी कंडीशन के अंतर्गत ये क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं, जैसे कि टाइगन और लाइगर। टाइगन क्या है? क्रॉस बिटवीन मेल टाइगर एंड फीमेल लोयन। और लाइगर क्या है? क्रॉस बिटवीन मेल लोयन एंड फीमेल टाइगर। तो बच्चों, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं, है ना। एक्सेप्शन है ना, तो एक्सेप्शन तो भैया नीट में ही आता है ना। चल तो चलते हैं आगे। अब स्पीसीज कितने तरह की होती है बेटा? ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको रेयरली ही कहीं मिलेगा। आप देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है ये, कि मोर्फो स्पीसीज कौन सी होती हैं। स्पीसीज इरेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोर्फोलॉजिकल करेक्टर, यानी कि देखने से जो करेक्टर्स का हम पता लगाते हैं उनके बेस पे जो अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? मोर्फो स्पीसीज। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिक स्पीसीज।
स्पीसीज हैविंग डेफिनेट बाइनोमियल नेम, जो बाइनोमियल नेम था ना, एक जेनरिक और एक स्पेसिफिक, जिनका वो नाम होगा वो क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। नेक्स्ट इज सबलिंग स्पीसीज, कौन सी होती हैं, ट्रू स्पीसीज डू नॉट इंटरब्रीड, स्पीसीज तो ट्रू है लेकिन इंटरब्रीड नहीं हो सकता इनमें, बट आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर अलोन, लेकिन सिर्फ देखने से हम इनको क्या कर नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दिखने में एक जैसी होती हैं। आगे क्या है, एलोपेट्रिक स्पीसीज, एलोपेट्रिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीसीज हैविंग एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किया होता है। आगे जो होती है वो क्या होती है, सिंपेट्रिक स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज हैविंग ओवरलैपिंग एरिया ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कई जगह जियोग्राफिक क्या होती है, जियोग्राफी हमारी क्या होती है, ओवरलैप कर जाती है ना, जहां पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी आ जाती है और एक्वेटिक हैबिटेट भी आ जाती है, तो ऐसी ऐसी कई जगह ऐसी स्पीसीज हमारे को मिल जाती है जो कि ओवरलैप होती है ना। पैरापेट्रिक स्पीसीज ये कौन सी होती हैं, स्पीसीज विद एडजेसेंट जियोग्राफिक रेंजेस मीटिंग इन वेरी नैरो जोन ऑफ ओवरलैपिंग, सिंपेट्रिक में हमने देखा कि ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही थी और पैरापेट्रिक स्पीसीज के अंदर हम देखते हैं कि वेरी नैरो जोन ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बिल्कुल थोड़ी सी होती है उनके अंदर। एंड नियोनटोलॉजिकल स्पीसीज कौन सी होती हैं, जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं उनको नियोनटोलॉजिकल स्पीसीज बोला जाता है। नेक्स्ट है एलोकेनिक, एलोकेनिक स्पीसीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, जो स्पीसीज अलग अलग टाइम पीरियड से बिलोंग कर रही हैं, ये नहीं कि एक लाइफ, नो हम एराज पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, एरा है, उन एरा के बेसिस पे जो है आई है, वो टाइम पीरियड हमारा वो है, बायोलॉजिकल टाइम पीरियड हमारा वो है जिसके अंदर एरा हम पढ़ते हैं, कौन सा एरा, जैसे जुरासिक एरा था है ना, रेप्टाइल्स हमारे जब पैदा हुए थे है ना, वो एराज, वो टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है सिंक्रोनिक स्पीसीज, स्पीसीज बिलोंग टू सेम पीरियड, कि एक पीरियड के अंदर, एक किसी एरा के अंदर वो पैदा हुई थी, उनको हम बोलते हैं। एंड पॉलीटाइपिक स्पीसीज कौन सी होती है भाई, पॉलीटाइपिक स्पीसीज हैं स्पीसीज विच हैव मोर देन वन आइडियल टाइप अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया, कि मोर देन वन आइडियल टाइप, एक से ज्यादा आइडियल टाइप होते हैं, यानी कि यहां पे आके हमारे को सब स्पीसीज की जरूरत पड़ती है ना। दूसरा, एक तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, अब है टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या कि इट वॉज प्रपोज बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो, प्लेटो और एरिस्टोटल ने हमें ये दिया था, क्या बताया था भाई, देर इज ए डेफिनेट टाइप और पैटर्न ऑफ करेक्टर आर प्रेजेंट इन द ईच स्पीसीज एंड द मेंबर ऑफ स्पीसीज शो मैक्सिमम रिसेम्बलेंस विद दिस पैटर्न, कि कोई भी स्पीसीज अगर प्रेजेंट है वो हर एक स्पीसीज जो है वो क्या करेगी, मैक्सिमम रिसेम्बलेंस देगी किस पे, कुछ डेफिनेट टाइप या कुछ स्पेशल करेक्टर्स के ऊपर उनमें सिमिलैरिटी मिलेगी। इसके बेस पे इन्होंने किया कि मोनोटाइपिक स्पीसीज होती है और एक पॉलीटाइपिक और मैक्रो स्पीसीज। तो मोनोटाइपिक स्पीसीज कौन सी होती है, व्हेन वन फिक्स्ड पैटर्न ऑफ करेक्टर इज प्रेजेंट, कि एक करेक्टर तो सभी में प्रेजेंट होगा ही होगा, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं भाई। और पॉलीटाइपिक स्पीसीज और मैक्रो स्पीसीज कौन सी होती हैं, कि व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ करेक्टर आर प्रेजेंट, जैसे कि कॉलीफ्लावर और कैबेज हैं तो दोनों गोभी ही, लेकिन एक फूल गोभी और एक पत्ता गोभी है ना, डिफरेंस है ना दोनों में, देखने पे भी, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी चेंजेस हैं उनमें। अब पॉलीटाइपिक स्पीसीज हैं वो कितने तरह की होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोटाइप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, इसको स्किप मत कर देना। बायोटाइप क्या है, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज इनहिबिट सिमिलर एनवायरमेंट एंड हैविंग सम जेनेटिक वेरिएशन आर कॉल्ड
बायोटाइप्स, कि एनवायरमेंट तो सेम हैबिटेट तो सेम है, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन उनके अंदर आ जाता है, और जो वेरिएशन आएगा ना इन मेंबर्स के अंदर वो परमानेंट होगा भाई, और ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नॉल नॉल आर द थ्री बायोटाइप्स ऑफ वन स्पीसीज, गोभी के इतने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है भाई? मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज इनहिबिटिंग डिफरेंट एनवायरमेंट, अलग अलग एनवायरमेंट होगा एंड हैविंग सेम जेनेटिक वेरिएशन, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन क्या होगा? सेम होगा, वेरिएशन इनके अंदर भी परमानेंट होते हैं और ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन कुछ जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से ये नहीं कर पाते इंटरब्रीड। ये क्या होते हैं? इकोटाइप्स। जैसे कि क्रो, कौवा हमने देखा है ना, तो एक इंडियन क्रो है वो अलग है, म्यांमार का अलग है, श्रीलंकन क्रो अलग है, ये तीन इकोटाइप हैं एक ही स्पीसीज की, किसकी? कॉर्वस स्पेल्डेंस की, एक स्पीसीज की तीन इकोटाइप हैं जो तीनों की तीनों अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन के वजह से बनी हैं, ये इकोटाइप होते हैं भाई। तो आगे चलते हैं बच्चों, इको स्पीसीज क्या है? ईट कंटेन वन और मोर इकोटाइप विच आल थॉट इंटर फर्टाइल कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग बट डू नॉट प्रोड्यूस वायबल ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू सम नेचुरल इंटरप्रिटेशन। नेचुरल इंटरप्रिटेशन की वजह से ये ऑफ स्प्रिंग वायबल नहीं प्रोड्यूस कर पाते, अगर इनका क्रॉस करवा भी दिया जाए तो वायबल नहीं होंगे इनकी ऑफ स्प्रिंग्स। और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या होती है टैक्सोनॉमिकल एड्स? इट इज डेवलप्ड बाय बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। कि जो ऑर्गेनिज्म हमारे को, जो मैंने शुरुआत में बताया था ना आपको कि 15,000 ऑर्गेनिज्म हमारे को हर साल मिल जाते हैं, है ना, तो उनको कैसे अलग अलग रखा जाए, कैसे उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, और कैसे उनके स्पेसिमेन को, कैसे उनकी इंफॉर्मेशन को रखा जाए, और कैसे स्टूडेंट तक पहुंचाई जाए, तभी तो स्टडी इजी होगी ना। हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है, हमने लाइब्रेरी बना ली है, लेकिन उस लाइब्रेरी का ऑपरेट कैसे होगी वो लाइब्रेरी, है ना, प्रोटोकॉल क्या रहेगा, कैसे हम उनको, वो जो बुक्स हैं उनको सेफली कैसे रख पाएंगे, वैसे ही हम स्पेसिमेंस को कैसे रख सकते हैं प्रिजर्व करके, ताकि हम उनसे स्टडी को फर्दर आगे बढ़ा सकें। तो देखते हैं बच्चों, टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं बोटनिकल गार्डन्स को, हर्बेरिया को, कीज को, जूलॉजिकल पार्क को, म्यूजियम्स को, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। तो वन बाय वन एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। बोटनिकल गार्डन्स, है ना, बोटनिकल गार्डन्स कौन से हैं भाई? जो हमारे जितने भी पार्क वगैरह है ना वो सारे बोटनिकल गार्डन है। क्या होता है बोटनिकल गार्डन में और म्यूजियम में फर्क है बेटा? देख लो, गार्डन जितने भी हैं, चाहे वो बोटनिकल गार्डन है चाहे वो जूलॉजिकल गार्डन है, वहां पे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, और जो म्यूजियम है वहां पे डेड इन द प्रिजर्व्ड फॉर्म में मिलेगा आपको, ना। तो सबसे पहले बोटनिकल गार्डन्स को देखते हैं। लिविंग स्पेसिमेन आर किप्ट, और काम क्या है इनका, क्या फंक्शन है? प्रोवाइड रिकॉर्ड टू लोकल फ्लोरा फॉर मोनोग्राफिक वर्क। हमारे को मोनोग्राफिक वर्क के लिए फ्लोरा हमारे को प्रोवाइड कर देते हैं वो। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग प्लांट मेटेरियल फॉर बायोसिस्टमेटिक स्टडी और रेफरेंस। कोई ऑर्गेनिज्म हमारे को मिला, कोई प्लांट हमारे को मिला, तो हमने उसको गार्डन में रख दिया कि भाई ऐसा अगर मिलता है तो इसकी फैमिली से बिलोंग करेगा, तो फर्दर स्टडी के लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। स्प्लाइस सीड्स एंड मेटेरियल फॉर बोटनिकल इन्वेस्टिगेशन, बोटनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाएगा। प्रोवाइड मीन्स ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, एक्सीटू कंजर्वेशन के लिए भी रखा गया, और बोटनिकल गार्डन्स के लिए बनाया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटनिकल गार्डन 1962 के अंदर, एंड पब्लिश द डायरेक्टरी ऑफ बोटनिकल गार्डन इन 1983। 1962 में ये बनाया गया और 1983 के अंदर बोटनिकल गार्डन्स की डायरेक्टरी जो थी वो पब्लिश कर दी गई थी। तो हम कुछ लिस्ट देखते हैं बोटनिकल गार्डन्स की जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रेजेंट है,
आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, सबसे अच्छा साधन है स्क्रीनशॉट, है ना, अलग अलग मोबाइल में आप देख सकते हैं, तो इनको नोट डाउन कीजिएगा बेटा। आगे चलते हैं, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम बेटा यहां पे लिविंग स्पीसीज नहीं रखी जाती, ये प्लांट्स के लिए होता है, और यहां पे प्लांट के किसी पार्ट को पहले तो निकाला जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, और फिर प्रिजर्व करके पेपर की एक स्पेशल शीट के ऊपर उसको पेस्ट कर दिया जाता है फर्दर स्टडी के लिए। तो देखते हैं, दीज शीट्स आर अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसका भी कोई ना कोई सिस्टम होगा। क्या सिस्टम है? लेबल इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड एट लोअर कॉर्नर। राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर पे लेबल किया जाएगा। उस लेबल में क्या होगा? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि कब किया गया और कहां से ये स्पेसिमेन लिया, इसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है, किसने इसको कलेक्ट किया, और इसकी सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन याद है ना, है ना, कीप द पॉट नीट एंड क्लीन और फैमिली गेट सिक, वो सभी इसी के पास होनी हर एक ऑर्गेनिज्म की जरूरी है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हर्बेरिया प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो देखिए, बहुत अच्छा पार्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने इसको देखा था। क्या कि कलेक्शन किया गया, सबसे पहले प्लांट पार्ट को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है ना, फिल्टर पेपर्स के बीच में उसको रख दिया जाता है ताकि वाटर एब्जॉर्ब कर दिया जाए, लेकिन ज्यादा दिन तक उसमें रखेंगे तो हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए उसमें पॉइजनिंग की जाती है। किस चीज की पॉइजनिंग की जाती है? 0.1% HgCl2 की, है ना, ताकि वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। इसके बाद का स्टेप है बेटा माउंटिंग का। क्या होती है माउंटिंग? एक हार्ड शीट होती है, ये भी स्पेशलाइज शीट है ना, इसका साइज फिक्स कर दिया गया है, क्या है, 41 × 29 cm, 41 × 29 cm की हार्ड शीट होती है। इसके ऊपर इसको माउंट कर दिया जाता है, स्टिचिंग कर दी जाती है, यानी कि पेस्टिंग कर दी जाती है, और लेबलिंग जो होती है वो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे होती है। याद रखना, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद डिपोजिशन कर दी जाती है। किस चीज की? डीडीटी की और CuSO4, ताकि इसको प्रिजर्व कर दिया जाए। ये एज ए एंटी माइक्रोबियल और एज ए बफर इसमें यूज करते हैं। और ये देखिए हर्बेरिया शीट, यहाँ पे हमारा एक शीट इन प्रोसेस से हमने प्रिपेयर कर दिया है ना, राइट हैंड लोअर साइड हमने इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, और साथ में प्लांट पार्ट को, यानी कि लीव्स को, उसकी स्टेम को और उसके फ्लावर को हमने पेस्ट कर दिया है बिल्कुल ड्राई और थिन फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। टू प्रोवाइड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड अल्फा टैक्सोनॉमिक रिसर्च। क्या? प्रोवाइड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड अल्फा टैक्सोनॉमिक रिसर्च। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के ना, एक्ट एज फंक्शन इंक्लूड क्लोजर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट ऑफ जर्नल एंड क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट के बेस में और स्टूडेंट के और क्लासिफिकेशन के बीच में एक इंटरेक्शन करता है कि किस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, है ना। प्रिजर्व प्लांट वेल्थ इंक्लूडिंग टाइप मेटेरियल एंड पैलियो बोटनिकल कलेक्शन। पैलियोलॉजिकल, पैलियो बोटनी याद है ना, जहां पे हम फॉसिल्स को प्रिजर्व करके रखते थे, तो ये भी फॉसिल्स ही हैं बेटा, इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं बोटनिकल कलेक्शंस के अंदर। और अगर मेजर हर्बेरिया की लिस्ट देखें पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये हमारे हैं मेजर हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसको नोट डाउन कर लें, या इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, टाइप स्पेसिमेन, किस तरह के स्पेसिमेन होते हैं। ये टॉपिक भी आपको बहुत कम बुक्स के अंदर मिलेगा, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है ये?
होलोटाइप क्या है? होलोटाइप कि हर्बेरिया शीट ऑन विच द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड, कि कभी भी हम ओरिजिनल चीज लेके नहीं जाती है ना, उसकी दो चार पांच फोटोकॉपीज हम रख लेते हैं ना, एडमिट कार्ड का भी आपने नीट का फॉर्म अप्लाई किया उसके भी एडमिट कार्ड अभी अपलोड नहीं हुआ, लेकिन अगर अपलोड होता है तो उसका भी आप दो तीन फोटोकॉपी करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी आपने दो तीन फोटोकॉपी करवा के रखा होगा। तो इसी तरह स्पेसिमेन के अभी हम दो तीन कॉपी बना के रखते हैं, उनके बेसिस पे अलग अलग टाइप स्पेसिमेन होते हैं। पहला हमने देखा होलोटाइप, क्या है होलोटाइप में कि हर्बेरियम शीट ऑन विच फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बेस्ड, सबसे पहला लिखा गया। फिर क्या आया भैया? आइसोटाइप। आइसोटाइप कौन सा था? होलोटाइप का डुप्लीकेट। होलोटाइप ओरिजिनल नहीं है, होलोटाइप फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर बेस्ड है, सेकंड आइसोटाइप है, ये होलोटाइप का फोटोकॉपी है। पैराटाइप क्या है? एडिशनल हर्बेरियम शीट यूज्ड इन फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट। जब होलोटाइप बनाया गया उसी टाइम पे एक और बनाया गया जिसको पैराटाइप बोला। अब ल्यूकोटाइप क्या होता है भाई? इन केस ऑफ होलोटाइप एंड सेकंड हर्बेरियम शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट, इन केस ऑफ होलोटाइप इज योर्स, होलोटाइप क्या हो चुका है आपका, गुम हो चुका है, और सेकंड हर्बेरियम शीट बनाई जाए कहां से? ओरिजिनल प्लांट से, दोबारा से स्पेसिमेन कलेक्ट करके पूरा प्रोसीजर अपनाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोटाइप। क्या बोलेंगे बेटा? ल्यूकोटाइप। नेक्स्ट है नियोटाइप। अब क्या हो गया भाई? होलोटाइप भी गुम हो गया आपका, ओरिजिनल प्लांट भी आपका खत्म हो चुका है, देन अदर शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। तब ओरिजिनल प्लांट से नहीं, किसी दूसरे प्लांट से जो उसी की स्पीसीज से बिलोंग करता होगा, वहां से हमने दोबारा से एक हर्बेरियम प्रिपेयर किया, उसको हम क्या बोलेंगे? नियोटाइप। और सिनटाइप क्या हो गया? कि होलोटाइप भी लॉस्ट हो चुका है, प्लांट हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, उस टाइम पे हमने बहुत सारे हर्बेरियम शीट बना ली किसी दूसरे प्लांट से जो कि उसकी स्पीसीज का था, अदर प्लांट ऑफ ए सेम स्पीसीज, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनटाइप स्पीसीज। अब भैया क्लासिफिकेशन को हम देखते जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन में कीज आई थी ना, हमने बोला था ना कि कीज कीज क्या है? कुछ करेक्टर होते हैं जिसकी बेसिस पे हम एनिमल्स को सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बेस पे हम उसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं ना। किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर नोन एज कोपलेट। मेंडल जी ने, याद है ना, मेंडल सर ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए थे, वैसे ही कुछ करेक्टर्स को हम यहाँ पे लेके चलते हैं जिनको हम कीज बोलते हैं, और उन करेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोपलेट। क्या बोलते हैं? कोपलेट। ईच करेक्टर ऑफ कोपलेट इज कॉल्ड लीड। क्या बोलते हैं इसको? लीड, है ना। तो कीज जो है वो दो तरह की होती है, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की। इंडेंटेड की कौन सी होती है भाई? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट ऑफ करेक्टर ऑफ स्पीसीज। जैसे कि कोई एक पॉइंट दे दिया भाई, फोटोसिंथेसिस कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर कर रहा है तो प्लांट, नहीं कर रहा है तो दूसरी जगह देखो, नेक्स्ट पॉइंट उठाओ, है ना। दूसरा आता है ब्रैकेटेड की। अब ब्रैकेटेड में क्या होता है भाई? इन दिस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। पेयर में ली जाती है, वहां पे क्या होती है? एक करेक्टर होता है, उसकी दो च्वाइस होती है, यहां पे पेयर लिया जाता है। एंड द ब्रैकेटेड नंबर ऑन द राइट साइड, ब्रैकेटेड की के राइट साइड में कुछ नंबर लिखे होते हैं जो क्या होती है? इंडिकेट्स द नेक्स्ट च्वाइस ऑफ पेयर्ड कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। अलग नेक्स्ट च्वाइस होगी आपकी कि नेक्स्ट आप कौन सा करेक्टर चुन सकते हैं। और ब्रैकेटेड की जो है मोस्ट पॉपुलर की है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजिकल पार्क्स। क्या होते हैं जूलॉजिकल पार्क्स? मैंने पहले बताया ना भैया, पार्क के अंदर सारे लिविंग होंगे, म्यूजियम में सारे नॉन लिविंग होंगे। तो जूलॉजिकल पार्क यानी कि जू, आपका चिड़ियाघर, वहां पे क्या होता है? जूलॉजिकल गार्डन्स आर प्रोटेक्टेड एरिया और एनक्लोज्ड स्पेस वेयर लाइव
वाइल्ड एनिमल्स आर किप्ट अंडर ह्यूमन केयर. एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ह्यूमन केयर के अंडर रखा जाता है, और इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, उनका फूड हैबिटेट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है ना, क्या बिहेव कर रहे हैं वो, कैसे रहते हैं वो, ये हम देखते हैं. तो एक लिस्ट मैंने आपको दी है जूलॉजिकल पार्क्स की, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स हैं उनके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इस वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट है बेटा म्यूजियम्स. देखो म्यूजियम्स भी आ गए. क्या है भैया म्यूजियम्स? दीज हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फर्दर स्टडी एंड रेफरेंस. कि जब स्पेसिमेन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट है या एनिमल है वो क्या हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, उसकी बॉडी को हम प्रिजर्व करके रखते हैं जार्स के अंदर या कंटेनर्स के अंदर. अब एक पानी सा भरा होता है, आपने देखा होगा ना म्यूजियम में, जब आप स्पेसिमेन टाइप स्पेसिमेन स्पोर्टिंग भी आपने की है, अभी 12th क्लास में जब एग्जामिनर आए थे प्रैक्टिकल के लिए आपने स्पोर्टिंग की होगी, तो जार के अंदर वो जो पानी भरा होता है वो पानी नहीं होता बेटा, वो क्या होता है, फॉर्मलिन होती है 10%, या फिर क्या हो सकता है 2.5% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल उसके अंदर डाला जाता है ना, जो एज ए बफर काम करते हैं, और जो हमारी जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते, उसको मेंटेन रखते हैं, सेल को ब्रस्ट नहीं करने देते, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हो चुका है लेकिन उसको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं वो, है ना. तो कुछ म्यूजियम्स का लिस्ट मैंने आपको दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें बेटा. नेक्स्ट है फ्लोरा. आज तक ये लास्ट के तीन जो टॉपिक्स हैं इन पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हमारे को पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि हमारे को बायोलॉजी सीखनी है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फ्लोरा क्या है? कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया. फ्लोरा एंड फौना हमने पढ़ा है ना, तो फ्लोरा क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस टाइप के प्लांट स्पीसीज मिल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा. तो सम इंपोर्टेंट फ्लोराज आर फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किसने दिया, जेडी हुकर ने. फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जेके माहेश्वरी ने हमारे को दिया. फ्लोरा ऑफ इंडिका बाय विलियम रॉक्सबर्ग, याद रहे कौन है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, है ना. फ्लोरा सिमेनेल्स किसने दिया, एच कोलेट ने दिया हमें. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैनुअल्स मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स. देखते हैं मैनुअल्स में हम क्या देखते हैं, एक कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया. एक एरिया के अंदर कौन कौन से प्लांट हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है उनका, क्या सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है. तो ये कुछ प्लांट्स हैं, कुछ मैनुअल्स हैं, मैनुअल्स दिए हैं, किस किसने दिए हैं, मैनुअल्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट बाय एल एच बाइले ने कल्टिवेटेड प्लांट का मैनुअल हमारे को बना के दिया था. फिर आता है बेटा मोनोग्राफ. क्या होता है मोनोग्राफ, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन, एक किसी टैक्सोन के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि द जीनस पाइनस के ऊपर दिया था एंटी माइरोव ने, किसने दिया, एंटी माइरोव ने. और हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा कैटलॉग. क्या होता है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब देयर फीचर्स. क्या होता है, अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइबिंग देयर फीचर्स. ठीक है बेटा, तो हमारा आज पहला चैप्टर कंप्लीट होता है. आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो ठोक दो लाइक, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, आग की तरह फैला दो, है ना. बायोलॉजी के लिए सब्सक्राइब करें एपीएंस द लर्निंग हब बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब करें एपीएंस द लर्निंग हब केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब करें एपीएंस द लर्निंग हब फिजिक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.